गुड इवनिंग। 26 फीट बाय 40 फीट के लिए तैयार किए गए प्लान के साथ आपके सामने 3 BHK का प्लान है ये। इसमें WC और बाथ अलग अलग रखा गया है, साथ ही साथ पूजा घर का भी प्रावधान किया गया है। तो आशा है प्लान पसंद आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले ग्राउंड फ्लोर का प्लान। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे 4 फीट 7 इंच में यहाँ से यहाँ तक छोड़कर प्लान किया गया है, जिसमें रूफ लेवल पर 4 फीट 6 इंच बाहर प्रोजेक्ट किया हुआ है ऐसे, और ऐसे 17 फीट 5 इंच रखा गया है। इस जगह से आप प्लिंथाइट पर चढ़ना शुरू करते हैं। प्लिंथाइट यहाँ भी 2 फीट 6 इंच रखा गया है। इस जगह पर डोर प्रोवाइड किया गया है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। इधर स्टेयर केस है 2 फ्लाइट में बटा हुआ, दोनों फ्लाइट की चौड़ाई 3-3 फीट है, जबकि राइजर 6 इंच है और ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच है। लैंडिंग 6 फीट बाय 3 फीट 4 इंच है। लैंडिंग के ऊपर इस वाल को 5 इंच रखा गया है। दोनों साइड में देख ही रहे हैं, ये V1 यहाँ लैंडिंग से ऊपर, और इस जगह वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। इस साइड से ऊपर चढ़ना शुरू हो रहा है। इसके बाद में इधर फ्रंट में पहला बेडरूम 10 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे है, जिसमें इस साइड में 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो प्रोवाइड किया गया है, जबकि पीछे 3 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो का प्रावधान किया गया है। डी का साइज 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट रखा हुआ है। इधर एक कट है जो कि ऐसे 5 फीट 11 इंच है और ऐसे 3 फीट 2 इंच है। सामने डाइनिंग हॉल कुछ इस प्रकार बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ की चौड़ाई 8 फीट है, जबकि इस जगह से लेकर के इस जगह 12 फीट है। इस साइड में किचन का प्रावधान है ऐसे 8 फीट 5 इंच, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट 11 इंच 2 फीट वाइड कुकिंग प्लेटफॉर्म एल शेप में। और इस साइड में देख रहे हैं इधर खुला रखना है पूरा कुकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप इधर विंडो प्रोवाइड करें फुल लेंथ, ताकि सफिशियंट रोशनी किचन में आ सके, और पार्ट पार्ट कर करके इसमें ये विंडो बनेगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। नीचे वाले पोर्शन में पैनल वुडन पैनल दें, उसके ऊपर आप ग्लास लगाएं। यहाँ D1 का साइज 3 फीट बाय 7 फीट है। उसके बाद में ये दूसरा बेडरूम और ये तीसरा बेडरूम, इस बेडरूम का साइज ऐसे 11 फीट, जबकि ऐसे 12 फीट है, और इस बेडरूम का साइज ऐसे 10 फीट और ऐसे 12 फीट है। ये पूजा घर ऐसे 6 फीट और ऐसे 4 फीट है। D2 का साइज यहाँ 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट है, इसमें 2 फीट 6 इंच बाय 2 फीट का विंडो प्रोवाइड करना है। यहाँ सील हाइट 5 फीट रखना है। ये पीछे 4 फीट बाय 4 फीट का एक कट दिया हुआ है। और इस बेडरूम में इस साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं 3 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो है, जबकि इधर 2 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो प्रोवाइड करना है। उसके बाद में इधर ये 2 फीट 6 इंच वाइड पैसेज है। सामने 5 फीट 6 इंच ऐसे और 4 फीट ऐसे बात है, जिसमें 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का डोर प्रोवाइड करना है। ये पैसेज भी 2 फीट 6 इंच वाइड आ रहा है, जिसमें इधर विंडो प्रोवाइड करना है 2 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का। इस जगह पर आप बेसिन लगा सकते हैं हैंड वॉश के लिए। और इधर WC का
प्रावधान किया गया है, जो कि ऐसे 4 फीट है और ऐसे भी 4 फीट है। फ्रेंड, इस साइड में ओपन टू स्काई रखा गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट 5 इंच है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 फीट 7 इंच है। इस रूम में इस साइड में 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो का प्रावधान किया गया है। बाथरूम में इस साइड में 2 फीट बाय 2 फीट का वेंटिलेटर देना है, जबकि WC में इधर 2 फीट बाय 2 फीट का वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। इस साइड में भी ओपन टू स्काई है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 11 इंच है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट है। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान, और चलिए देखते हैं ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान। बिल्कुल इसका मिरर इमेज कोई बदलाव नहीं, ये आगे में यही 4 फीट 6 इंच वाइड बालकनी निकल रहा है। सेस चीज एज इट इज है, 3 बेडरूम्स, टॉयलेट, इधर बाथ और इधर WC, पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम, पूजा घर, डाइनिंग हॉल, ये किचन। और इसका फ्रंट एलिवेशन कुछ इस प्रकार बन रहा है, यही बालकनी निकला हुआ है बाहर 4 फीट 6 इंच वाइड, और ये विंडो है ऐसे 4 फीट और ऐसे 4 फीट 6 इंच का। मेन एंट्रेंस ये है। तो फ्रेंड, यदि प्लान पसंद आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए प्लान के साथ अगले दिन। थैंक यू, गुड नाइट।